मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को रानीडीहा खोराबार में आयोजित होने वाले गरीब कल्याण मेला की तैयारियों का जायजा लिया। यह मेला शुक्रवार को सुबह 11 बजे से भाजपा के नए क्षेत्रीय कार्यालय भवन के सामने आयोजित होगा। इसके पूर्व भाजपा के नए क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा व सीएम योगी करेंगे। इस अवसर पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष एवं प्रदेश के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह भी मौजूद रहेंगे। गुरुवार को दोपहर बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल उद्घाटित होने वाले भाजपा के नए क्षेत्रीय कार्यालय पहुंचे। कार्यालय के उद्घाटन को लेकर हुई तैयारियों के साथ ही उन्होंने यहां कार्यालय भवन के सामने मैदान में लगने वाले गरीब कल्याण मेला को लेकर की गई व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। सीएम योगी ने कहा कि यह आयोजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सफल एवं शानदार 8 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने के अवसर पर किया जा रहा है। अधिकारियों को निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि गरीबों का उत्थान एवं सभी पात्रों तक जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचना पीएम मोदी की प्राथमिकता रही है, इसलिए यहां आयोजित होने वाले मेले में किसी भी लाभार्थी को किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए। उल्लेखनीय है कि शुक्रवार को आयोजित होने वाले गरीब कल्याण मेला में गोरखपुर समेत आसपास के जिलों से केंद्र एवं प्रदेश सरकार की 13 योजनाओं के लाभार्थी शामिल होंगे। निरीक्षण के दौरान सीएम योगी के साथ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष व जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह, व्यापारी कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष पुष्पदंत जैन, पिछड़ा मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष चिरंजीव चौरसिया, जिला अध्यक्ष युधिष्ठिर सिंह, जिला प्रभारी अजय सिंह गौतम, महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता, क्षेत्रीय महामंत्री व विधायक प्रदीप शुक्ला, विपिन सिंह, श्रवण निषाद, क्षेत्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर सत्येंद्र सिन्हा, विश्वजीत सिंह आसू, प्रदेश कार्य समिति सदस्य राहुल श्रीवास्तव, मीडिया प्रभारी डॉक्टर बच्चा पांडे, नवीन अच्युतानंद शाही, देवी श्रीवास्तव, रणविजय शाही, जितेंद्र बहादुर चंद, राधे श्याम रावत, अजय श्रीवास्तव, मनोज राम त्रिपाठी, संजय सिंह, अनिल सिंह सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। गोरखपुर के क्षेत्रीय कार्यालय का लोकार्पण भौतिक होगा। इसके अलावा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, सीएम योगी की मौजूदगी में बागपत, अलीगढ़, रायबरेली, जौनपुर, संत कबीर नगर, सिद्धार्थ नगर समेत कुल 7 कार्यालयों का वर्चुअल लोकार्पण करेंगे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष व जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने कहा, एक देवता पुजारी, एक चलते रहो, थोड़ा पीछे बेटा, उधर सामने, उधर जाए बेटा, बेटा उधर उधर कर, बेटा उधर जाए सामने करो, सामने सामने बेटा सामने।
हो गया ना, कुछ खाली भी करवाना है बनाए। चलिए आप लोग बढ़ते रहिए ना, खाली करवाइए इसको। चलिए जालौन चित्रकूट मऊ जो एयरपोर्ट के बाहर भी एयरपोर्ट के बाहर भी कुछ बाकी लोग बाहर ही रुकिए। पंकज कल राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आगमन हो रहा है, जगत प्रकाश नड्डा जी का कल कार्यालय का उद्घाटन है और आदरणीय मोदी जी के 8 वर्ष के कार्यकाल, ऐतिहासिक कार्यकाल, क्या गरीब कल्याण सभा होना है। ये दोनों कार्यक्रमों में से एक मैसेज आएगा। कार्यालय भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय, हमेशा हम लोग कहते हैं कार्यकर्ता, कार्यक्रम, कार्यालय और कोष, इसके आधार पर कार्यकर्ताओं का निर्माण होता है। कार्यालय में जब कार्यकर्ता आते हैं तो संस्कार लेकर जाते हैं, अनुशासन की प्रक्रिया होती है, जिसके कारण कार्यकर्ता को बल मिलता है और काम करता है अपनी विचारधारा की। तो कार्यालय का भव्य उद्घाटन होने वाला है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जाने वाले हैं और राज्य के अंदर लगभग 69 कार्यालय कल कंप्लीट हो जाएंगे। नहीं नहीं, बाकी सभी का हो चुका है, कल 8 कार्यालयों का होगा और हर कार्यालय स्तर पर 8 केंद्रों पर कहीं ना कहीं हमारे आदरणीय संगठन महामंत्री सुनील जी रहेंगे, केंद्रीय मंत्री रहेंगे, मुख्यमंत्री रहेंगे, ऐसे हर स्थानों पर कार्यक्रम तय है। कल्याण मेला भी आयोजित करा, इसको लेकर क्या? आदरणीय मोदी जी का ऐतिहासिक 8 वर्ष, उनके 8 वर्ष के कार्यकाल में लोगों की एक सोच बदली, विचार, लोगों का सोचने का एक अलग प्रकार का राज्य के अंदर, देश के अंदर माहौल हुआ है और आज वैश्विक महामारी में भी लोगों ने आदरणीय मोदी जी के साथ खड़े रहे, जिस कारण पूरी दुनिया की दुनिया के अंदर देश का जय जयकार है, आदरणीय मोदी जी का सम्मान बढ़ा है। और एक गरीब खुशहाली कैसे होती है, गरीब का विकास कैसे होता है, वह संपूर्ण योजनाएं गांव गरीब किसान के खुशहाल के लिए आदरणीय मोदी जी। और पहली बार लोगों का राज्य देश के अंदर सोच बदला। अब मुस्लिम तुष्टिकरण की बात नहीं करते हैं, जातिवाद की बात नहीं करते हैं, क्षेत्रवाद की बात नहीं करते हैं, व्यक्तिवाद की बात नहीं करते हैं, वंशवाद के, अब लोगों सब लोग राष्ट्रवाद की बात करते हैं और गरीब के कल्याण की बात करते हैं। ये माहौल बदला है देश के अंदर, एक ईमानदार नेतृत्व देश के अंदर और एक ईमानदार नेतृत्व राज्य के अंदर, जिसके कारण उत्तर प्रदेश का भी विकास हो रहा है और देश का विकास हो रहा है।